आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घी बनाने का सीक्रेट तरीका, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। बिल्कुल मार्केट जैसा दानेदार बनेगा, क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो वैसा दानेदार नहीं बनता है, तो उसका सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, मेरी किचन रेखाज फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो घी बनाने के लिए हमें ले लेना है घर का दूध, ये गाय का दूध है, इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है। जब हम दूध उबालते हैं ना, तो उसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पर उबलने देना चाहिए, जिससे दूध में थिकनेस आ जाती है। और ठंडा होने के बाद ना, इसको ढकना नहीं है हमें, एक जाली वाले ढक्कन से, या फिर अगर नहीं है तो खुला ही आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर इस तरह से मोटी सी मलाई निकल जाएगी। अब मलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सी जार में, और उसमें डाल देंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद इसको हमें मिक्सी में चला लेना है। 1 से 1.5 मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे कि पानी और मक्खन दोनों अलग अलग हो गए हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा ठंडा पानी और डाल दीजिए। और ये देखिए, हमने अच्छे से सारे मक्खन को निकाल दिया है, और यहाँ पर मलाई और जो मक्खन है वो अलग अलग हो गए हैं। अब मक्खन का पानी और निकल जाए, इसलिए छन्नी में रख दें, और ये जो पानी निकला है इसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, और जो बचा हुआ मलाई है उसमें फ्रेश ठंडा पानी डालकर ही हम मक्खन निकालेंगे, और उस पानी को हमें यूज नहीं करना है, चाहे तो आप उसकी कढ़ी बना सकते हैं। अब सारा यहाँ पर हमने मक्खन निकाल लिया है, अब इसको हाथों से दबा दबा कर जो बचा हुआ पानी है ना, वो भी निकाल लेंगे, बहुत आराम से हो जाता है। और ये देखिए, अच्छे से हमने सारा यहाँ पर मक्खन को अच्छे से निकाल लिया है, और ये इतना सारा उतने मलाई में हमारा ये इकट्ठा हुआ है। अब इसको गैस पे रख के हमें अच्छे से पकने देना है। जैसे जैसे ये पिघलता जाएगा ना, वैसे वैसे आप देखेंगे इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। और ये देखिए, घी निकलना शुरू हो गया है, ये पिघलना शुरू हो गया है। अब इसको हमें उबलने देना है, और उबालते समय हम आँच को मीडियम कर देंगे, नहीं तो ये ऊपर आकर गिरने लगेगा, बहुत जल्दी गिरता है दोस्तों। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका मैं सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तो इसमें लौंग हमने डाला है 4 से 5, जिससे घी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और साथ में इसमें कलर अच्छा आए इसके लिए 2 पिंच हमने हल्दी डाल दिया था, जिससे इसका लुक जो है वो बिल्कुल गाय के घी जैसा हो जाएगा। वैसे दूध जो हमारा था वो गाय का ही था, वैसे आपके पास भैंस का दूध है तो उसमें आप डाल दीजिए, तो इसमें लुक जो है वो बिल्कुल गाय के घी जैसा हो जाएगा। और ये देखिए, उबलते उबलते इस पोजीशन पे आ गया है ये, कि इसमें से अब ये घी निकलने लगा है, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो इस समय हमें एकदम दानेदार बनाने के लिए ना एक ट्रिक है, इसके लिए हमें एक कटोरी में पानी लेकर थोड़ा सा पानी का 1 से 2 बार छींटा मारना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हाथों को डुबोएंगे और उसे छींटा मारेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा घी निकलेगा ना, बिल्कुल दानेदार निकलेगा। तो यही ट्रिक है दोस्तों एकदम दानेदार बनाने के लिए, जब भी आप घी बनाएं तो इसी स्टेज पर आप पानी का छींटा मारें। बस 1 से 2 बार पानी का स्प्रिंकल करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको 5 से 7 मिनट तक और उबाल लेंगे। अब जैसे जैसे ये उबलता जाएगा ना, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्राउन होता जाएगा, पर बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो जो घी है हमारा वो जल जाएगा। तो बस 5 से 7 मिनट में ही ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब जैसे ही ठंडा होगा, हम इसको किसी बर्तन में छान लेंगे। और दोस्तों, ये जो अंदर इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है ना, उससे आप इकट्ठा करके लड्डू भी बना सकते हैं। वैसे इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी और शेयर करूँगी, आज तो मैं घी का ही कर रही हूँ आपके साथ शेयर। और इसको छानकर अच्छे से रख देंगे, अभी थोड़ा गर्म है तो इसको 1 से 2 दिन लगेगा थोड़ा सा दानेदार दिखने में, क्योंकि अभी यहाँ पर गर्मी है, तो गर्मी में ये थोड़ा सा पिघला हुआ ही रहेगा।
दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे इस लिंक को शेयर कर दें ताकि उन तक भी मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके और वो भी मेरी रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सके। अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और ये देखिए, ये जो घी है ठंडा होने और जमने के बाद बिल्कुल दानेदार हो गया है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप बनाइए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।